हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वॉरियर्स। ठीक है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मैम अब लास्ट 10 डेज का स्ट्रैटेजी बता दीजिए। सो आई डिसाइडेड कि चलो ये तो बनता है, पढ़ने का काम बहुत कर लिया है, प्रैक्टिस का काम कर लिया है, और ये पढ़ना प्रैक्टिस तभी काम देगा ना जब आपके एग्जाम के दिन स्ट्रैटेजी प्रॉपर हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, आई डिसाइडेड कि चलो आज हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें। एज द थंबनेल सजेस्ट, आपको थंबनेल से दिख रहा होगा SSC CGL लास्ट का 10 डेज स्ट्रैटेजी। आपके एडमिट कार्ड का बहुत सारे रीजन का स्टेटस आना भी शुरू हो गया, अब कुछ दिन में आपके एडमिट कार्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ऑल सेट, अब हमारे स्टूडेंट्स रेडी है, ठीक है, अपने अपने वेपन्स के साथ। नो डाउट आप लोग तो मेरे वॉरियर्स हो, और आई नो माई वॉरियर्स विल लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। सारे वॉरियर्स हैं मेरे, सबको मैंने वेपन्स दे दिया है। अब आपको देखना है ना कि उस दिन आप अपने वेपन्स को कैसे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वन डे एग्जाम है ना, इट्स जस्ट लाइक ओलंपिक, ये ओलंपिक गेम्स की तरह है। आप कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट कभी कभी होता है ना जस्ट ऑन द डे ऑफ द फिनाले, उस दिन आप क्या करते हो ना, आपकी सारी प्रैक्टिस, नो डाउट बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होगा नहीं, बट अल्टीमेटली 80% उस दिन आप क्या करने वाले हो ना, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरी बहुत सारी बातें हुई CGL वाले, सॉरी जो बच्चे अभी CHSL दे के आए हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें हुई। तो कई बच्चे हमारे बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, बट उन्होंने गलती क्या कर दी है ना, एग्जाम के दिन टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कर दिया है, तो आपका सारा पढ़ा का पढ़ा बेकार चला गया। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हो, हम घर से तो स्ट्रैटेजी बना के जाते ही हैं, बट इट डिपेंड्स, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठते हो तो कभी कभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि पेपर किस टाइप से आया है। कभी कभी आप सोच के जाते हो ना कि मैं रीजनिंग में या GS में या इंग्लिश में 10 से 12 मिनट दूंगा, बट पेपर ऐसा आता है कि आपका 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाता है, कहीं से आप 2-4 मिनट कम कर लो, कहीं पे 2-4 मिनट ज़्यादा दे दो, तो वो स्ट्रैटेजी तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा। और यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू टेक योर डिसीजंस, आप लोग स्मार्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो एग्जामिनेशन वाले दिन, प्रायर टू दिस मैंने आपको बताया कि ओलंपिक गेम की तरह उस दिन का परफॉर्मेंस ही मैटर करता है। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, जिन जिन बच्चों का एग्जाम जिस दिन है, उस दिन अपना एकदम दिमाग कूल एंड काम रखना है, ओके, एकदम टेंशन नहीं लेना है, कूल एंड काम रखना है। बिकॉज कूल और काम रहोगे ना तो आधा एग्जाम आपके हाथ में है। ये बोलना ईजी होता है, ये बोलना ईजी होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मैम एग्जाम में टेंशन तो होता ही है, बट टेंशन होता है, लेकिन एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे, 4-5 क्वेश्चंस एक बार आप फेस कर लोगे ना, 4-5 क्वेश्चंस एक बार आप फेस कर लोगे, उसके बाद देखोगे धीरे धीरे आपका टेंशन कम होते जाएगा, ओके। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले अच्छी सी नींद ले लेना है, उस दिन आपका दिमाग एकदम सही चलना चाहिए, ओके, कूल एंड काम रहना है। क्योंकि कूल एंड काम रहोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस, टेंशन में ना आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनता है, कूल एंड काम रहोगे तो बन जाएगा। इसके लिए हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की है। इंग्लिश का पेपर आप उस दिन ये सोच के बनाना ना कि हम इंग्लिश में तानी मैम पे, मैम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके बगल में हूँ, नो नीड टू वरी, ये सोच के एग्जाम देना अच्छा जाएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का पेपर अच्छा आ भी रहा है और आएगा भी, CGL का पेपर अच्छा आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि नो एरर वाले क्वेश्चन को ध्यान देना है, ओके, नो एरर अक्सर आप लोग गलत कर देते हो, कुछ ना कुछ एरर निकाल लेते हो, और क्लोज टेस्ट अच्छा से कर लोगे ना तो आधा बाजी आपके हाथ में है। बिकॉज इस 50 मार्क्स में से ना 10 मार्क्स क्लोज टेस्ट पे, तो क्लोज टेस्ट अच्छा से करना है। क्लोज टेस्ट ईजी आ रहा है, बहुत के पेपर में ईजी आ रहा है, और बहुतों के पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी आ जा रहा है। तो थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है ना तो गिव इट अ सेकेंड थॉट, टाइम नहीं लेना है, मतलब अच्छा से देख लेना है, ठीक है, अच्छा से देख लेना है। और मैं तो ये, और ये मत सोचना ना कि आपका एग्ज़ाम का पेपर बहुत इजी आया तो हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम का पेपर, उस दिन का पेपर अगर टफ भी आ रहा है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टफ है तो सबके लिए टफ है, और नॉर्मलाइजेशन में इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लास्ट ईयर का जो आपने रिजल्ट देखा, तो उसमें आपने देखा इजी पेपर वाले सबसे बड़े सफरज रह गए। तो ये मत सोच के जाना ना कि बहुत इजी है, जैसे आता है ठीक ठाक मॉडरेट आया, अगर टफ भी आ जाता है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको एग्जाम का पेपर देख के ही उस समय आप जज कर लेते हो ना कहीं आपको पता तो चल जाता है पेपर का लेवल इज़ हाई, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे, एकदम खुश रहना है। ये सोचना है कि लेवल हाई है तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलो पहले मैं इंग्लिश की बात कर लूँ। इंग्लिश में आपने काफ़ी सारा वोकैब किया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का है वोकैब, और वोकैब के लिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका समुद्र मंथन बैच है ही, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम्स देके आए हैं अभी CHSL, तो उनका कहना है कि मैम कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समुद्र मंथन में आपने जितने वर्ड्स करवाए हैं काफ़ी है, क्योंकि SSC का एक फिक्स पैटर्न है, प्रीवियस पेपर पर जा रहे हैं,
और हमारे YouTube वाले स्टूडेंट्स जो बहुत सारे जो समुद्र मंथन बैच में नहीं है, बट मैंने YouTube पे इतना ज़्यादा आपको कंटेंट दिया है ना, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बस रिविजन करिए, लास्ट के फ्यू डेज में नए नए वर्ड्स सीखने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज होगा क्या कि एट द कॉस्ट ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स आपका पुराना रिविजन नहीं हो पाएगा। ओके, तो जितना है बस उसको लास्ट में रिवाइज करो, कुछ न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज करने का टाइम अब हो गया है, अब बस आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा ही रही, तो इंग्लिश के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसा आप चल रहे हो बिल्कुल ठीक है, इतने सारे मॉक्स भी हो रहे हैं। ओके, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 20 मॉक्स दूंगी, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और हम जो जिस लेवल का मॉक्स करते हैं ना उससे एक लेवल नीचे ही आएगा। ओके, तो बिल्कुल भी इंग्लिश के लिए परेशान नहीं होना, एकदम कूल एंड काम रहना जितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, ये सोच के जाना है ना मेरी तैयारी पूरी है, अगर 80% भी है तो मैं एग्ज़ाम में 100% दूंगा, घबराना नहीं, आपकी तैयारी पूरी है। और एक दो चीज़ और, अभी मैंने देखा कई हमारे अच्छे परफॉर्मर्स जो क्लास में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम में उनका कंप्लेन था कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो ये टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना है ना, इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करूँगी, ये तो आपको करना है। और टाइम मैनेजमेंट मैं बार बार बोलती हूँ, मॉक्स देना ज़रूरी है, मॉक्स को एनालाइज तो करना ही है, साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। एग्ज़ाम्स में वो इतने पेपर सेटर इतने स्मार्ट होते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन वो ऐसा सेट करेंगे ना जिससे आपका पूरा एग्ज़ाम्स ख़राब कर दे, टाइम कंज्यूमिंग वाला। और हमारे स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चंस को बहुत दिल से ले लेते हैं, अरे कैसे नहीं, मैं तो इसको बना के रहूँगा, मेरी मैथ्स मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, और आप ट्रैप में फंस जाते हो और अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर आप 2-4 मिनट लेके वो क्वेश्चन बना भी लेते हो ना, बट स्टिल आप लूज़र हो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे जो आपने 3-4 मिनट लिया, आप उसमें हो सकता है 3-4-5 क्वेश्चन और भी बना सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है। ओके, अभी मैं देख रही हूँ CHSL में बच्चों का कहना है कि मैम रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो रीजनिंग के टीचर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। बस मैं इतना बोलूँगी ना, जिस क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये क्वेश्चन मेरा एग्ज़ाम ख़राब कर सकता है, तो उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए, बाद में टाइम मिले तो आप फिर वो क्वेश्चन पे आ सकते हैं। और स्ट्रैटेजी तो आपकी अलग है एग्ज़ाम में, जैसे बच्चों का कहना होता है कि मैम कौन सा सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें, ये तो डिपेंड करता है आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ पे। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर एग्ज़ाम में जा रहे हो तो सबसे पहले तो शुरू में माइंड फ्रेश रहता है, रीजनिंग कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, GS कर लो, और नो डाउट मैथ्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम मैथ्स के लिए बचाना है। क्योंकि मेरा प्रायोरिटी सिर्फ इंग्लिश नहीं है, मेरा प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन है, तो आई वॉन्ट कि आपका सारा सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छे आए। और प्री में एक बार प्री को एकदम, कई बच्चे प्री को सीरियसली नहीं ले रहे, उनको दिमाग में है कि चलो प्री में थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा ना तो मैं मेंस में संभाल लूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बार आप प्री में अच्छा स्कोर कर लेते हो ना तो मेंस में आपका टेंशन कम हो जाता है। तो कोशिश करना है कि प्री में मैक्सिमम नंबर लेके आना है। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, वो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, और प्री में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए GS को भी ध्यान देना है, को भी क्या देने ही है, GS इज़ द किंग मेकर इन प्री, तो ये सबको इग्नोर नहीं करना। मैथ्स और क्योंकि मेंस में आते हो तो इंग्लिश और मैथ्स तो सिर्फ मिलने वाला, GS रीजनिंग है नहीं, तो इसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं। कुछ बच्चों की GS बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चों की GS बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है ना कि मैं मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश में नंबर स्कोर कर लूँगा। अरे भाई, जितना कट ऑफ आप देख रहे हो बिना GS के कैसे चलेगा, इतना हाई कट ऑफ जो आ रहा है, पहले आज से 5-6 साल पहले चलो कम भी आ गया, कट ऑफ कम जाता था, बट अभी तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इसको भी पढ़ना है। और फिर मेंस में तो अब मैथ्स और इंग्लिश का पेपर हो गया ही, तो बस थोड़ी सी मेहनत कर देनी है GS में प्री में। ओके, तो बाकी तो आप स्टूडेंट्स स्मार्ट हो, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई स्टूडेंट्स, माई ब्लेसिंग्स आर विद ऑल माई स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेज। आई नो कि इंग्लिश में तो अच्छा परफॉर्म करोगे और सबके फेस पे एक स्माइल मिलेगा मुझे, दो मैं फिजिकली आपको देख तो नहीं पाऊंगी, बट आई एम वेल अश्योर्ड, फुल्ली अश्योर्ड कि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आपके फेस में स्माइल रहेगा, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस नो एरर, क्लोज टेस्ट वगैरह को ध्यान से देख लेना, कूल एंड काम रहना अपना, और एग्जाम के दिन पैनिक बिल्कुल नहीं। कभी कभी क्या होता है, एडमिट कार्ड मास्क वगैरह ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, रात में तो अच्छी नींद लेनी है, एक दिन पहले रात तक जग लोगे तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है, कूल एंड काम रहना। उस दिन की चीज़ें ना, उस दिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना जिससे आपको टेंशन हो। एग्जामिनेशन हॉल में भले 1 घंटा पहले पहुंच जाना, बट टाइम से पहुंच जाना है, क्योंकि लास्ट मिनट में पैनिक होने लगता है, उस वजह से एग्जाम्स खराब हो सकता है। मास्क, सैनिटाइज़र, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको लेके जाना है।
ओके किसी से उस दिन झगड़ना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, एकदम खुश होके जाके एग्जाम देना है। एक बार आप प्री देके आओ ना, उसके बाद हम जम के मेहनत करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो ऑल माय स्टूडेंट्स, वेदर हमारे प्लस स्टूडेंट्स हैं, हमारे सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को देखते हैं, यहाँ से कंटेंट से पढ़ते हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलते हैं हम फिर, और मुझे पता है मेंस के लिए सब आने ही वाले हैं, सबका प्री अच्छा जाएगा ही, तो मिलते हैं। चलो थैंक यू एवरीवन।